आर वॉचिंग FNI न्यूज। कोरोना के 2 साल बाद अब आपको फिर से रामलीला का मंचन सुचारू रूप से देखने को मिलेगा। इसका औपचारिक ऐलान करते हुए अशोक विहार फेज 1 की रामलीला कमेटी ने रविवार को बड़े ही विधिवत रूप से भूमि पूजन किया। अशोक विहार फेज 1 के भूमि पूजन के उपरांत आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत बड़े ही पारंपरिक ढंग से किया गया। हमारी रामलीला कमेटी आप सबका स्वागत करना चाहती है, क्योंकि अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज 1 और फेज 2 दोनों एक ही रामलीलाएं हैं। उनका मंचन जरूर अलग है, लेकिन सारा परिवार एक ही है। लीची की टीम जो रात दिन एक करके 2-3 महीने की मेहनत से इन लीलाओं को करने में सफल रहती है। एक एक दिन कैसे परमिशन लाना, कैसे भोजन की व्यवस्था करना, कैसे अतिथियों को बुलाना। कुछ ऐसा ही भव्य आयोजन पिछले दिनों अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा किए गए भूमि पूजन के दौरान भी देखने को मिला था। ऐसे में आदर्श रामलीला कमेटी में अलग अलग भूमिका निभाने वाले किरदारों ने आने वाली रामलीला के मंचन की कुछ झलकियां भी पेश की। एक सुंदर निश्चय, एक दिव्य निर्णय, आज के बाद ना मैं राजा न महाराजा, मात्र दशरथ। दूसरा वर जो है मेरा सुन लो कल्पित, मत होना क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से मत होना। युवराज राम जो होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बन बन वासी हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि रामलीला के आगाज के साथ ही दिल्ली में आने वाले त्योहारों का भी आगाज हो जाता है। ऐसे में कोरोना के बाद दिल्ली वालों की मस्ती इस बार कुछ नए अंदाज में देखने को मिलेगी। कैमरामैन नितेश कश्यप के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो।